यूपी में जब से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, दोनों दलों के नेता कई मौकों पर मंच साझा कर चुके हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। कन्नौज में गुरुवार को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब मंच पर एक बार फिर बसपा अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। यहां से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने मंच पर मायावती के पैर छूकर बुआ का आशीर्वाद लिया। यूं तो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने में कुछ भी हैरत वाली बात नहीं है, लेकिन सियासत में इसके कई मायने होते हैं। यहां डिंपल ने जब मायावती के पैर छुए और बसपा प्रमुख ने भी उन्हें परिवार का हिस्सा बताते हुए आशीर्वाद दिया, तो मकसद कहीं दूर तक संदेश भेजना भी था। उन्होंने डिंपल को न केवल परिवार का हिस्सा बताया बल्कि उनके लिए वोट भी मांगा और उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील भी की है। कन्नौज से फिलहाल डिंपल ही सांसद हैं, उनसे पहले यहां से उनके पति खुद अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे। अखिलेश ने इस बार आजमगढ़ का रुख किया है, जहां से बीजेपी ने भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है। कन्नौज में डिंपल का बसपा प्रमुख का पैर छूना और बुआ का उन्हें आशीर्वाद देना ये भी दर्शाता है कि दोनों दल बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड को भूलकर राजनीतिक गठजोड़ ही नहीं निजी रिश्तों को भी मजबूत बनाने में जुट गए हैं। और शायद यही वजह है कि रैली में डिंपल ने जब मायावती के पैर छुए तो बुआ ने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे परिवार के एक बड़े सदस्य के तौर पर सम्मान देते हैं और इस गठबंधन के बाद मैंने डिंपल को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। मायावती ने लोगों से ये भी कहा कि वो डिंपल के लिए वोट करके रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएं। मायावती ने इससे पहले करीब 24 साल बाद सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ बीते सप्ताह मैनपुरी में एक मंच पर नजर आई थी। राजनीतिक रूप से अहम संदेश देने वाली इस रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने यहां लोगों से मुलायम के लिए भी वोट मांगा था। यूपी में बसपा लोकसभा की 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा 37 सीटों पर और रालोद 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खैर, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि यादव परिवार को मायावती ने उनकी औकात दिखा दी है और उनकी इज्जत यानी घर की बहू को अपने कदमों में झुका दिया है। इससे तो यही साबित होता है कि अगर अखिलेश का काम बोल रहा होता तो आज हाथी की गोबर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये राजनीति है और इसमें सबको जायज है। और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए कभी कभी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ता है। ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि सपा पार्टी पुरानी बातों को भूल चुकी है और राजनीति में ये दोनों पार्टियां मिलकर एक नई पारी की शुरुआत करने वाली हैं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।